जल्दी आने वाला है एक और गेमिंग फोन। दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ अलग अलग तरह की टेक न्यूज़ रूमर्स और लीक्स के इस नए एपिसोड में, जहां पे कि आज मैं आपको बताऊंगा आसूस या फिर हम कह ले एसस की तरफ से एक नया गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। ऐसे कुछ रूमर्स लीक्स और टेक न्यूज़ वगैरह निकल के आ रही है। अगर अपन इस स्मार्टफोन की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो लेगेसी है एसस की गेमिंग फोन्स की, गेमिंग सीरीज की, आरओजी सीरीज की, यानी क्योंकि रिपब्लिक ऑफ गेमर सीरीज के स्मार्टफोन की जो लेगेसी है उसको आगे संभालेगा और कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा, जो कि आरओजी 3 होने वाला है, यानी कि थर्ड जनरेशन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, तीसरा फोन आरओजी का। और अगर अपन यहां पे स्पेसिफिकेशंस की बात करें जो कि लीक्स में निकल के आ रहा है, और लॉन्च डिटेल प्राइसिंग वगैरह सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी, तो अंत तक जरूर देखना। अगर अपन यहां पे टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो यहां पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 6.59 इंच का। इसी के साथ एक स्क्रीन रिफ्रेश रेट की अगर अपन बात करते हैं तो 144 हर्ट्ज का आपको यहां पे रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि गेम में अगर आप खेलते हैं और गेमिंग स्पेसिफिक कोई डिवाइस है उसमें स्क्रीन डिस्प्ले काफी ज्यादा मायने रखती है। और रिफ्रेश रेट तो कुछ ज्यादा ही, आजकल पबजी खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स अपन खेलते हैं, तो रिफ्रेश रेट काफी अच्छा और तगड़ा होना चाहिए आपको एक फोन में अगर आपको लीड करना है गेमिंग इंडस्ट्री में और अच्छे से गेमर बनना है, स्ट्रीमर बनना है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे एक रिफ्रेश रेट स्क्रीन का। तो 144 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ फुल एचडी प्लस ये डिस्प्ले होने वाला है, जैसे कुछ रूमर्स और लीक्स में निकल के आ रहा है। इसी के साथ और भी अपर अगर आरओजी 3 के टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो टॉप मॉडल है, जो टॉप वेरियंट होगा, उसमें आपको 12 GB की रैम देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ 512 GB की UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। हो सकता है इसमें आपको और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाए कंपनी की तरफ से, जब ये इंडियन मार्केट में लॉन्च हो या फिर जिस भी मार्केट में लॉन्च हो, सबसे पहले ग्लोबल हो, जैसा भी है वहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस बेसिकली चेंज देखने को मिलेगी, जैसे कि लीक्स और रूमर्स में निकल के आ रहा है, तरह तरह के आपको इसमें वेरियंट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली आरओजी 3 आरओजी लाइनअप को की लेगेसी बढ़ाने वाला है, और ये है वन ऑफ द पॉपुलर फोन्स फॉर गेमिंग आसूस के सबसे जो आता है। अगर आपको तो रिपब्लिक ऑफ गेमर के बारे में नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। शायद गेमिंग से रिलेटेड अगर आपके पास जानकारी नहीं हो तो आपको मिल जाए और मुझे भी थोड़ी जानकारी आपके द्वारा मिल जाए आरओजी के बारे में, तो कमेंट सेक्शन जरूर करना, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट जरूर कर देना। तो कमेंट में जाके बता देना आपको आरओजी के बारे में पता है कि नहीं है, बेसिकली एक रिपब्लिक ऑफ गेमर है, इतना ही मैं अभी बता सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसी के साथ अगर अपन यहाँ पे इसकी प्राइसिंग की बात करें, मेन प्राइस बहुत मैटर करता है किसी भी गैजेट के लिए इंडिया में, जब भी वो आता है तो 72,990 रुपीस के आसपास आपको इंडिया में इस फोन की प्राइसिंग देखने को मिल सकती है, और जुलाई के मंथ में ये होगा लॉन्च, और बेसिकली 73,000 भी हो सकती है या फिर उससे भी ज्यादा प्राइसिंग आपको देखने को मिल सकती है, कोई कंफर्म नहीं है, ये सब एक्सपेक्टेड है। और 9 जुलाई को ये स्मार्टफोन होगा लॉन्च। अब इंडिया में ग्लोबल जहां पे भी ये करना है वहां ये कर सकते हैं, मगर लीक्स ऐसी ही निकल के आ रही है, एक्सपेक्टेड जो डेट है वो 9 जुलाई के सामने निकल के आ रही है लीक्स की अगर अपन माने। तो यही कुछ थी दोस्तों आज की अपडेट टेक न्यूज़ रूमर्स और लीक्स वगैरह। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन को जब आप दबाए तो ध्यान से देखना ऑल नोटिफिकेशन आपका एक्टिवेट है कि नहीं है, तो एक्टिवेट कर लेना, जैसे ही हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आपके चैनल के ऊपर, आपके अपने सबके टेक चैनल के ऊपर, तो आप उस वीडियो को वॉच कर सके और लुफ्त उठा सके थोड़े बहुत ज्ञान का, नॉलेज का, और बेसिकली टेक न्यूज वगैरह का। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मैं उस मीडिया जल्दी मिलेंगे ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के साथ। टेक केयर फॉर यू, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।